देखोगे महेश भाई तो जैसे बॉल कनेक्ट होता है कॉल करके भागते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। वो इसका जो किक्स का लेवल है गेम का बहुत ऊंचा हो चुका है। अच्छा उमदा बैटिंग, क्या उमदा फील्डिंग, क्या उमदा बैटिंग, क्या कमिटमेंट है राहुल, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही कहा। नो बॉल, बॉलर थोड़ा सा स्पेस बॉल डालती करे, ये एक्स्ट्रा से बचना बहुत जरूरी है। विद्या बहुत कॉन्फिडेंटली, प्रतीक भाई बहुत बढ़िया चेयर अप कर रहे हैं टीम को। अगेन नो वाइड बॉल, बैट्समैन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, राहुल रन अपने आप आ रहे हैं। और अगर आपको मैच के आसार अगर देख रहे हैं ना, मैच किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में, तो हृदय की स्माइल देख लो आप, आपको पता चल जाएगा कि मैच किसके पक्ष में जा रहा है और किसके फेवर में जा रहा है। आपको की स्माइल ऐसे ही बहुत क्यूट होती है। दे आर एंजॉयिंग द गेम। कृपाली जो कि कप्तान है, अपने प्लेयर से कुछ बातचीत करते हुए, बॉलर थोड़ा सा दबाव में यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक के बाद एक लगातार एक्स्ट्रास जो कि नहीं देने चाहिए, पहली ओवर है। हम एक बार जोरदार तालियां बजाए बॉलर के लिए। इसको विकेट, फाइनली शी गॉट अ विकेट, शी हैज सम स्माइल ऑन हर फेस, फाइनली शी गॉट अ विकेट। राहुल को आपकी बढ़ोतरी शायद आपको पता होगा लास्ट। और बिल्कुल पिछले मैच का जो फॉर्म है इस मैच में कंटिन्यू करते हुए, पहली गेंद पे अपना खाता खोलते हुए, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, कैन यू जस्ट बिलीव इट, के बॉल से विकेट कीपर के पास थी और उसने में रन चुरा लिया। इटाशी इज डूइंग एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत बढ़िया बॉलिंग जेना की। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 7 रन, 1 विकेट। ओवर की समाप्ति यहां पर, कृपाली इज द रन बॉलर, आद्या विल फेस टू कृपाली। कृपाली की बॉलिंग फेमस है, बहुत ही तेज बॉलिंग करती है, बैट्समैन जब तक रीड करता है बॉल को, विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है गेंद। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग और ये आसान सा रन आउट हो सकता है, ऑल आउट। हर बार वो एक स्ट्रेटजी काम नहीं करते हैं क्योंकि बैट्समैन को बैटिंग भी करनी होती है, सामने लॉन्च होकर उनसे वो बैटिंग आ सकता है, लेकिन बैट्समैन को बैट छोड़ने के बाद में रन निकालना होता है। फिर भी काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छे से
फुल मार्क्स टू कृपाली फॉर एक्सेलेंट बॉलिंग। पेस के साथ साथ जो बॉलिंग की लाइन और लेंथ है, आसान सा सिंगल खेला हिताशी ने। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर की समाप्ति हो चुकी है राहुल, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 11 रन, 11 रन्स एट द एंड ऑफ टू ओवर्स। हिताशी इज ऑन स्ट्राइक, दो विकेट हो चुके हैं। रिवा एंड हिताशी क्रीज पे हैं। द बॉलर नेम, प्लीज बॉलर अपना नाम बता तो बता दीजिए। जो भी बॉलर बॉलिंग के लिए आता है प्लीज अपना नाम बता दीजिए। बॉलर्स ऑफ पीछा, कृपाली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेट द फील्ड एज सून एज पॉसिबल, प्लीज मेक इट फास्ट। बहुत ही उम्दा फील्डिंग। बहुत ही बढ़िया सूझबूझ वाला रन बनाया है रिवा ने। हिताशी ऑन स्ट्राइक, एक एक रन कर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए। फेस करेंगे त्रिशा को, जस्ट अ मिस, डाइव हिट हो सकती थी, इट्स अ रिस्की रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और उतनी ही उम्दा फील्डिंग गोपाली द्वारा। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया बैटिंग और ऑल द टुगेदर बहुत ही बढ़िया देखने मिल रहा है यहाँ पे। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 17 रन, 1717, थ्री ओवर्स 17 रन। क्या लगता है राहुल भाई, क्या स्कोर होना चाहिए? मुझे लगता है महेश भाई 30 रन तो बनने चाहिए, अगर एक सम्मानजनक स्कोर अगर रखना है तो 30 रन अगर बनाते हो तो सामने वाली टीम पे काफी दबाव आ सकता है चेस करने में। इसी बीच नई गेंदबाज अनिका स्ट्राइक पे सामना करेगी स्टार बल्लेबाज रीवा। नो बॉल, पहली गेंद नो बॉल। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर धीरज द्वारा। आउट हो सकता है
और ये आउट ये गोल्डन बॉल अनिका द्वारा बहुत बढ़िया विकेट बहुत ही उनका बॉलिंग लगी अनिका ने राहुल जगताप की सुपुत्री बहुत बढ़िया खेलती है बहुत ही बढ़िया सिंगल रन लिया नो बॉल की मांग कर रही है बल्लेबाज अंपायर एक प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए मना करते हुए बहुत ही बढ़िया कैच राहुल को क्या लगा कैच बहुत ही शानदार कैच था ये बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ा विकेट था और कैच अगर छूट जाती तो कंफर्म बाउंड्री थी तो बाउंड्री को बचा किसी पार्टी ने साथ में बहुत डीजे चार ओवर में समाप्ति पे स्कोर है 19 रन 19 आफ्टर एंड ऑफ फोर ओवर्स लास्ट ओवर स्ट्राइक पे आएंगे ध्रुवी गेंदबाज विनर्स सामना करेगी ध्रुवी जगताप का सिंगल बहुत ही बढ़िया चतुराई भरा हुआ सिंगल लिया ध्रुवी ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग जिया बैटिंग करने आई है बैट चेंज करना चाहती है जिया टिया नाम है महेश भाई ओके टिया हाँ वो तो एक बार कैसे रहते हैं ना एक प्लेयर जो खेलता है उसका बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया रन बहुत ही बढ़िया रन लिया है इम्पोर्टेंट रन्स बना रहे बल्लेबाज अपने टीम के लिए आखिरी ओवर है हर रन बहुत इम्पोर्टेंट है राहुल यहाँ से आगे जाते हुए हर एक रन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया इसको मैंने सजेस्ट किया वो बहुत अच्छा लगता है मतलब कैसे ना प्लेयर कौन सा सोशल कैच बन रहा है तो गेम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर से ज्यादा उनके पेरेंट्स एक्साइटेड हैं डगआउट जो देख रहा हूँ वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ डगआउट दिख रहा है बहुत ही बढ़िया सिंगल चला है बहुत ही बढ़िया अपनी टीम के लिए एक एक रन बढ़ाते हुए फरमाई पे आखिरी ओवर मेरे ख्याल से एक आध दो बाउंड्री यहाँ पर देखने के लिए मिलनी चाहिए आखिरी ओवर है ये अब मैं ध्रुवी से एक्सपेक्ट करूंगा कि ध्रुवी एक दो बॉल अच्छे से बाउंड्री लाइन पे हिट करे बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक और जैसे ध्रुवी ने फोर मार दिया राहुल के साथ नाचते हुए ध्रुवी ने फोर मार दिया उनके खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने फोर मारा है बहुत ही बढ़िया जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए क्या एक्साइटमेंट है बच्चों में बहुत ही बढ़िया महिला कुछ भी मुझे ये जो अपने पिताजी की जो श्रेणी है खेलने की कला है बच्चों में आई जाती है बहुत ही बढ़िया ये कनेक्ट नहीं कर पाए लेकिन एक रन तो चुरा ही लेंगे बहुत ही बढ़िया एक रन अपनी टीम के लिए काफी अच्छा योगदान दिया है इनिंग की समाप्ति हो चुकी है बहुत ही अच्छी बैटिंग इन बच्चों के द्वारा जोरदार चारिया होगा पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 28-29 इज द टारगेट राइट प्लेयर ऑफ नाइट ओवर 29 इज द टारगेट बहुत ही बढ़िया
तारीफ जितनी की जाए बच्चों की, उनके हौसलों की, उनके गेम की काफी कम है। इन बच्चों के लिए कृपया जोरदार तालियां बजाए, बहुत बढ़िया बच्चे गेम खेल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसी बीच रीता सिंह अपने प्लेयर्स से इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हुए, कुछ तो गेम प्लान है उनका, 29 टू विन है, अच्छा डिसेंट स्कोर है डिफेंड करने के लिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, 28 एक अच्छा डिसेंट स्कोर है भाई, स्कोर है दोनों टीम के लिए, डिफेंड करने के लिए भी और बनाने के लिए भी। बिकॉज यू डोंट नो, मतलब स्टार्टिंग के दो ओवर कितने इम्पॉर्टेंट है इस मैच के लिए। अगर दो ओवर अच्छी निकल जाती है तो मैच काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, आई रिक्वेस्ट प्लीज टीम मेंबर्स अपने बैट्समैन को भेजिए और फील्डर्स प्लीज अपनी फील्डिंग एट द अर्लीस्ट अरेंज कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम से चलें। गणपति बप्पा आज परेशान है क्योंकि दोनों टीमें गणपति बप्पा मौर्या का नाम लेके जा रही हैं, अब वो दोनों को तो जीता नहीं सकते। देखना होगा किस तरह से डिफेंड करते हैं 28 का स्कोर। ध्रुवी बल्लेबाजी का फॉर्म कंटिन्यू करते हुए गेंदबाजी करेगी ध्रुवी जुगताप। ध्रुवी जुगताप काफी क्रूशियल फर्स्ट ओवर, काफी अच्छे रन भी बनाए इन्होंने अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे वीनस तकत राव। नो बॉल का इशारा और नो बॉल ड्यू टू न्यू नी हाइट का लेंथ के हिसाब से। अच्छी बॉलिंग वहां पर, एक एक रन करके अपना टीम का स्कोर बढ़ाते हुए विनर्स और दिया। आशीष श्रीवास्तव, आशीष आशीष भाई, achievement on the smile, full marks, enjoying, she is really enjoying to the young cute girl Yashvi। कश्मीर के लिए जोरदार तालियां, कश्मीर के लिए जोरदार तालियां, उसके जज्बे के लिए जोरदार तालियां, उस क्यूटनेस के लिए जोरदार तालियां। जबरदस्त गेम, बिल्कुल सटीक और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर। बहुत डिफिकल्ट होता है ये बॉल को कैच करना। हाथ लगता तब आउट होगा, ऐसा डायरेक्ट आउट नहीं होता। बहुत उम्दा फील्डिंग, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 7 रन, एक ओवर की समाप्ति हुआ 7 रन। और न्यू बॉलर है इताशी, अच्छी शुरुआत है महेश भाई, विकेट नहीं है और एक ओवर के पश्चात 7 रन इज अ डिसेंट स्टार्ट आई मस्ट से। एंड इताशी इज गोइंग टू डू समथिंग इन दिस ओवर आई एम श्योर। व्हाट अ कीपर, बहुत ही बढ़िया कीपिंग करते हुए, स्लो फ्लाइटेड डिलीवरी। Venus on strike, same ball, same action, same result.
ये तीसरी चौथी टीम से बाहर से गणपति बापा साथ दे तो किसका दे, हर टीम गणपति बापा का नाम ले रही है। महेश भाई मैं वही बताया ना कि ये दो दिन वो इस खेल में गणपति बापा बहुत बिजी हो जाते हैं लोगों को प्रेसिंग देने में। लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत ही वेरी गुड लाइन एंड लेंथ विद द पेस एज वेल, गुड बॉलिंग बाय इताशी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ट्राई, बहुत ही बढ़िया के लिए जोरदार तालियां हो यार, विकेट कीपर के लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत कमिटमेंट। मैं कह रहा हूं महेश भाई लड़की का पूरा फोकस गेम पे है, बहुत किसी और लेफ्ट राइट कहीं नहीं देख रही, हंसने नहीं कुछ नहीं, पूरी तरह से गेम में इन्वॉल्व, व्हाट अ कमिटमेंट राहुल, बहुत ही बढ़िया। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 10 रन, एट द एंड ऑफ टू ओवर द स्कोर इज 10, तीन ओवर में 19 रन चाहिए, 18 गेंदे 19 रन। अच्छी ओवर थी इताशी जी, पहले ओवर में 7 रन आए थे, उनकी ओवर में केवल 3 रन। नई बॉलर है हृदया, थर्ड जनरेशन क्रिकेटर, उनके माता पिता भी क्रिकेट खेलते हैं, रिटायर हो चुके हैं अभी, और उनकी सुपुत्री अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए हृदया इज द बॉलर, विनस इज द बैट्समैन। नो बॉल, काफी प्रभावित हुआ जिस तरह से हृदया का बॉलिंग एक्शन है महेश भाई, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बैट्समैन को कंफ्यूज कर देता है उसका एक्शन। यस, और मैंने देखा है उनको प्रैक्टिस मैचों में बिल्कुल डाइव वगैरह लगाती है और हर मुश्किल गेंद भी पकड़ लेती है। बॉलिंग व्हाट अ बॉल, दर्शकों में उत्साह, रूपाली अपने बच्चों का प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाते हुए, ये क्या था, she got herself out by head wicket, this is just like that, she got herself out like head wicket. Acha ye sacrifice for the team, dekho yahan par sab tarah ka udaharan milta hai, absolutely sacrifice bhi karni padti hai kabhi kabhi Mahesh bhai, yes ye bachche logo ki smartness hai, zabardast, oh what a fielding, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रूपाली आती है बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, आते साथ ही उनकी जो बैटिंग है, बहुत ही बढ़िया दौरान, बहुत ही बढ़िया दौरान चला है वहां पे, दोनों बल्लेबाजों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार हृदय आ, दो बार कैच के चांसेस थे महेश भाई, बॉलिंग तो अच्छी कर रही है, कैचर में तब्दील नहीं हो पा रही गेंद, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, आप आप कह सकते हैं राहुल भाई इसको, जब मैं सुबह से मैं कृपाणी की तारीफ कर रहा था तो मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रहा था, बहुत सही है राहुल भाई, पहली बार जो है उसका कैलिबर मुझे पता है वो क्या कर सकती है, क्या जबरदस्त प्लेट टाइम खेला उसने, सीधा 6 रन। समाप्ति पे 12 गेंद में 7 रन चाहिए, 12 गेंद में 7 रन चाहिए, अभी भी महेश भाई विकेट मैच में वापसी हो सकती है, एक आध दो विकेट अगर जाते हैं तो पूरी तरह से वापसी हो सकती है। राहुल भाई जब तक रूपाली है इस गेम को जीतना अपोजिशन के लिए इतना आसान न होगा,
मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हार और जीत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो कृपाली खड़के इज ए न्यू बॉलर आराम से भाई। और वीनस अपने कप्तान का बखूबी साथ देते हुए फर्स्ट स्टार्टिंग से बैटिंग कर रही है। वीनस एक एक रन करके अपने जो भी अपोजिट प्लेयर है उनको अच्छे से स्ट्राइक दे रही है। बहुत अच्छा शॉट। और कई बार माइंड पर हम जो हिटर बैट्समैन है उसकी तारीफ करते पर हम भूल जाते कि वो बैट्समैन को जो नॉन स्ट्राइकर से जो सपोर्ट और जो साथ मिल रहा है दूसरे बल्लेबाज का वो भी बहुत ही अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही कहा आपने, क्योंकि सपोर्ट होगा तो जाके टीम का परफॉर्मेंस और टीम आगे बढ़ती है। कि किसी इंडिविजुअल आदमी के गेम पे टीम नहीं चलता। वेल सेड सर, वेल सेड, वेरी वेल सेड। कृपाली इजीली सिंगल सिंगल रन भी चुराते हुए अपने बैटिंग को मेंटेन करके चल रही है। मात्र चार रन दूर अपने जीत से फिर से एक बार टैप शॉट। जिस तरह से खेल रहे माइंड पे लग रहा है टैप शॉट में पूरी तरह से इन्होंने 3 साल का कोर्स किया हुआ है। बहुत से मेंस को भी ये टैप शॉट जमता नहीं है राहुल। बहुत अच्छा कमिटमेंट, इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा क्रिकेट में। क्या बात है, अब ये 70 रुपया कृपाली के इसमें से जाएगा, डेबिट होगा। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कृपाली। मैं कृपाली से मैच के बाद में मिलकर एक ऑटोग्राफ लेना चाहूंगा। ये डेफिनेट फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। 2 रन की जरूरत, केवल 2 रन की दरकार। स्कोर्स आर लेवल। और बहुत अच्छी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर्स आर लेवल। एक और 1 रन चाहिए। मैं दांत देना चाहूंगा वीनस की, ओपनिंग से खेल रहे हैं महेश भाई, बिल्कुल अपने कप्तान का साथ निभाते हुए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर वीनस के द्वारा, और उनका सहयोग भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने 10 रन बनाए हैं, टीम का स्कोर रेट मेंटेन रखा है। वीनस तकत राव के 10 रन हो चुके हैं और 2 बॉल कृपाली ने। व्हाट अ कॉन्टैक्ट, व्हाट अ मैच। जोरदार तालियां हो जाए विनिंग टीम के लिए। बहुत जोरदार, व्हाट अ कमिटमेंट। और फील्डिंग टीम नेक्स्ट मैच में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना, हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये ओपन स्कोर इतना बड़ा हो चुका है कि इसको 2 वीकेंड्स में हमने डिवाइड किया है। इस वीकेंड्स में सीनियर्स बॉयज गर्ल्स एंड वुमेन्स के मैचेस हैं। नेक्स्ट वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे मेंस के मैचेस होंगे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मोर देन 500 प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस OSPL टूर्नामेंट।